हम किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं और टिक्के के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नोट कर लें। सबसे पहले हमने टिक्के के लिए 1 किलो गोश्त लिया है जिसकी हमने छोटी बोटियां कट कर ली हैं। अब इसके लिए ऑयल हमें रिक्वायर्ड है 1 प्याली, पिसी हुई प्याज हमने ली है 1 प्याली, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है 3 टेबल स्पून, धनिया पिसा हुआ और पिसी हुई मिर्च हमने ली है 2.5 टीस्पून, इसके लिए हमने लिया है काली मिर्च पिसी हुई 1/2 टीस्पून, सॉल्ट हमने लिया है 1.5 टीस्पून, इसके लिए हमने काले चने लिए हैं इन्हें हम पीस लेंगे, और हमने लिया है पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और चाट मसाला हमने लिया है इसके लिए 1 टीस्पून, और हमने कुटी हुई मिर्च ली है इसके लिए 1/2 टीस्पून, दही है इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 1 प्याली, और हमने एक दरमियाने साइज़ का पपीता, ग्रीन वाला जो कच्चा पपीता होता है वो हमने बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। अब हम आपको इसकी रेसिपी की तरफ लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज मिलती रहें और आप उन्हें इंजॉय करते रहें। अब हम एक पैन के अंदर गोश्त को डालेंगे, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पपीता, इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसी हुई प्याज, पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे दही, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च, चाट मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई रेड मिर्च। अब इसके ऊपर शामिल करेंगे हम नमक और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये मसाला अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, मिक्स करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर मैरिनेट किया था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पिसे हुए चने, अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम मज़ीद मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसे तकरीबन हमने 2 घंटे मैरिनेट करना है, उसके बाद फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ जाएंगे। हमारी टिक्के अच्छी तरह से मैरिनेट हो गए हैं, अब हम इन्हें तकरीबन 1.5 से 1.25 घंटे के लिए इन्हें हम पकने के लिए रखेंगे, और बीच बीच में हम इन्हें चेक करते रहेंगे कि ये गले हैं या नहीं। और इसके अंदर हमने मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं किया है, इसे एज इट इज़ हम कवर लगाकर पकने के लिए रख देंगे। इनका टेस्ट, इनका जायका बहुत ही मज़े का है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब हमारे ये टिक्के रेडी हो गए हैं और इनका घी भी ऊपर आ गया है। अब हम इनका चूल्हा बंद कर देंगे और इन्हें स्मोक लग देंगे ताकि ये रेडी हो जाए। हम अपने टिक्के को धुआं दे लेंगे कोयले से। अब हमने इसको धुआं देके रख दिया है, टिक्के को हमने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए नोट कर लें, चावल इसमें हमें रिक्वायर्ड होंगे 3 प्याली, इसमें हमने बासमती चावल यूज़ किया है, प्याज इसके अंदर हमने 2 अदद चॉप कट कर ली है,
गरम मसाला साबुत हमें रिक्वायर्ड है तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंगे और काली मिर्च। पिसी हुई मिर्च इसमें हमें रिक्वायर्ड है 1 टीस्पून। सॉल्ट हमें इसमें रिक्वायर्ड है 2.5 टीस्पून। आलू बुखारे 5 से 6 अदर। पुदीना हमने इसके लिए लिया है और बारीक कट कर लिया है। हुआ जीरा इसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून। हल्दी इसमें लिए हमने 1/2 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर लिया है 3 टीस्पून। और इसमें हमने टमाटर लिए हैं 3 अदद, जिन्हें हमने बारीक चॉप कट कर लिया है। और 3 से 4 अदद हमें बड़ी हरी मिर्च चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी ग्रेवी कैसे बनेगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों को ज़रूर बना के खिलाइएगा, सब बहुत तारीफ करेंगे आपकी। और आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको रेसिपीज मिलती रहें। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल के अंदर प्याज शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अभी हमारी प्याज ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके अंदर शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, टमाटर इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर नमक शामिल कर देंगे, इससे टमाटर जल्दी गल जाते हैं। अभी हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं और भुन भी गए हैं। अब हम इसके अंदर बाकी मसाले जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे पिसी हुई मिर्च। अब इसके अंदर शामिल किया है हमने जीरा पिसा हुआ, पिसी हुई हल्दी और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक हम बचा लेंगे, चावल बॉईल करते टाइम हम डालेंगे। और थोड़े हम इसके अंदर यूज़ करेंगे आलू बुखारे। आलू बुखारे से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना और इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ी देर के लिए कवर लगाकर रख देंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं, हमारी ग्रेवी रेडी हो जाए। अब हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसके अंदर हम हरी मिर्चें डाल देंगे और इसे ऑलमोस्ट हम 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम राइस बॉईल करेंगे, ताकि हम बिरयानी को रेडी कर सकें। को बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रखेंगे और इसमें हमें बहुत अच्छे से जोश देना है। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक और जब इसके अंदर बॉईल आ जाएगा अच्छे से, तो हम इसके अंदर फिर चावल शामिल करेंगे। अभी हमारे पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, इसके अंदर अब हम राइस शामिल करेंगे। इन्हें अब हम पूरा नहीं पकाएंगे, इन्हें हम आधा पका लेंगे और उसके बाद फिर हम इनको छान लेंगे। चावल आधे गल गए हैं, अब हम इनका पानी निकाल देंगे। अब हम पैन में बिरयानी की तह लगाने के लिए सबसे पहले ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। थोड़ा सा सालन हम इसकी बेस में लगाएंगे। अब पूरी लेयर को अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे हम राइस की। अब हमने इसके ऊपर टिक्के की एक लेयर लगाई है और
पुदीने की इसके ऊपर हम एक लेयर लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसको फिर मज़ीद राइस के साथ कवर करेंगे। अब हम इसके ऊपर जो हमने ग्रेवी अलग से बनाई थी बिरयानी के लिए, वो हम शामिल करेंगे एक लेयर उसकी। अब हम इसके ऊपर राइस की एक और लेयर लगाएंगे। राइस के ऊपर हम टिक्के की लेयर लगाएंगे। थोड़ा पुदीना हम इसके ऊपर डालेंगे और हम इसके ऊपर जो ग्रेवी हमने बनाई थी उसकी फिर एक और लेयर लगाएंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से रिमेनिंग राइस के साथ कवर कर देंगे। अब ये हमारे राइस अच्छी तरह से कवर हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जर्दे का रंग शामिल करेंगे जो हमने केवड़े के अंदर मिक्स करके रखा हुआ था, और इन्हें हम कवर करके फिर हम इन्हें अच्छी तरह से दम दे देंगे। ये बिरयानी को अच्छे से भाप लग गई है, इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही लजीज बिरयानी होती है टिक्के की, स्मोकी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। हमारी ये टिक्का बिरयानी रेडी है, खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है, आपको ये बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।